ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पिछली क्लास में जो पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, उसी से पूरा कनेक्टेड। रेस्पिरेटरी आप समझ गए हैं काफी कुछ, तो सर्कुलेटरी बहुत आसान है, और अगर वहां पे कोई चीज मिसिंग भी हुआ होगा तो वहां यहाँ पे वो रिवाइज भी हो जाएगा, ताकि आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आपसे छूटेगा नहीं, बट चीजों को समझते चलिएगा। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास पहला चीज आता है तीन चीजें। पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे तीन महत्वपूर्ण बातें। पहला कि इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। तो पहला आप ये समझेंगे कि ब्लड एक चीज है जो फ्लो होती है, दूसरा ऑर्गन एक चीज है जिसके कारण फ्लो होती है, जो पंपिंग करता है, और तीसरा होता है कि डिफरेंट टाइप के मिसलेनियस फैक्ट्स। इन तीनों बिंदुओं पर आपका आज का सेशन कवर करेंगे, जिसमें अलग अलग ब्लड ग्रुप, अलग अलग कोई डिसीज वगैरह समथिंग सब चीजें आ जाएंगी। तो पहले हम कवर करते हैं कि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होती है उसका सर्कुलेशन सभी ऑर्गन्स तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन केवल केवल सर्कुलेशन नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल भी है, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण भी करता है। तो यदि मैं इस बात को समझाना चाहूं कि किस प्रकार इसे समझा जाए, तो हमको यहां पर देखना होगा कि परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें होंगी, वो तीनों चीजों को यहां पर हम कवर करेंगे। जैसे कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले किसने बताया ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम नाम का एक सिस्टम भी होता है, ठीक है, तो ये विलियम हार्वे साहब को जाता है। ये विलियम हार्वे को एग्जाम में पहले पूछा भी गया है, आप लोगों को याद रखना है कि विलियम हार्वे साहब ने पहली बार ह्यूमन बॉडी में क्या है, ऐसा कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नाम का सिस्टम होता भी है, कब, 1626 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम हार्वे, ठीक है। और मैंने कहा कि तीन चीजों से मिलके बना होता है, एक है हार्ट, उसके बाद ब्लड, और उसके बाद डिफरेंट टाइप की इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो यदि मैं बात करूं, पहले हम इस ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हार्ट के बारे में बात करेंगे, फिर मिसलेनियस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियक वर्ड बेसिकली हार्ट से रिलेटेड होता है, वास्कुलर मतलब संवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेवल करना, ये क्या कहलाता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारा बॉडी में क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों कहा जाता है आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन याद रखना कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब हार्ट को दो बार वो रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो, जिस बारे में बात कर रहा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले क्या है, ब्लड आएगा और ब्लड वेसल्स आएगा, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड एक प्रकार का सेल है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक। तो वैसे हम ब्लड को देखें, ब्लड को समझना चाहें क्या है, तो ब्लड में आप लोगों को समझनी है ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, वन इज द प्लाज्मा, सेकेंड इज द ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है ये 55% क्या होता है, यहां पर क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है, टोटल ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक। अब इस प्लाज्मा को देखिए, प्लाज्मा का क्या होता है, 90% क्या होता है, वाटर होता है। ये प्रश्न पूछा गया है पास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। प्लाज्मा का 90% जल है। हम कह रहे हैं कि ब्लड किससे मिलके बना है, दो चीजों से मिलके बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा ब्लड का 55% है, तो 45% क्या होगा, ब्लड सेल्स होंगे, 45% बचा हुआ चीज, ये क्या है, 45% ये हो जाएगा आपका। लेकिन इस 55 का 90% वाटर है, और बाकी सब अनेक क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और अदर मटेरियल्स होते हैं, बाकी इसमें क्या होगा, ब्लड प्रोटीन प्लस ऐसा करके लिख लो, सब चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक। इस ब्लड में और इस प्लाज्मा के बारे में कल मैंने बताया था, जब हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कौन काम आता है, ऑक्सीजन के में 97% कौन कम काम करता है, हीमोग्लोबिन लेता है ब्लड, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कल बात बताया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
3% कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कहां से आ रहा है? तो 55% याद रखना, इसे पास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया इस परसेंट को, 55%। ठीक, थोड़ा प्लाज्मा के बारे में देखें। प्लाज्मा में अगर कहा मैंने 90% वाटर है, तो क्या क्या बाकी चीजें पाई जाएंगी? कुछ प्रोटीन, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आदि सब क्या पाए जाते हैं? ये सब क्या? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। यही फाइब्रिनोजेन के कारण तो ब्लड क्लॉटिंग होता है। अभी मैं बताऊंगा, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस भी बताऊंगा जो एग्जाम में काम आता है, पूछा जाएगा। और जब मैं कहूंगा कि इसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स की बात करूंगा, तो ब्लड सेल्स में कहेंगे ये रुधिर कोशिकाएं। अब ये वाला पार्ट आ जाएगा इससे। तो ब्लड सेल्स का जो है बहुत सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह क्या होते हैं? ब्लड सेल्स है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। आरबीसी जो होता है वो गोल होता है, लाल कलर का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है। आगे इसको मैं बताऊंगा भी। और जैसे क्या होता है कई बार, क्या है इसमें WBC, क्या हुआ? शरीर का चौकीदार है, शरीर का चौकीदार यानी कि सिक्योरिटी गार्ड है। बाहर से कोई भी चीजें शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो WBC कहेगा कि कोई आया है, उसे जाके किल करो, मारो। तो उसके दो सिपाही हैं, वो दोनों सिपाहियों का नाम अभी सुन लीजिए, आगे फंक्शन बताऊंगा, बी सेल और टी सेल। ये बी सेल और टी सेल के बारे में अभी हम कोविड पीरियड में हम सब उससे रूबरू हुए हैं। हम सब उस चीज को ही लाइक पावरफुल बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो वही तो है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पेशेंस रखो। तो ब्लड सेल्स मतलब WBC, RBC, प्लेटलेट, और बाकी कहा मैंने क्या है? वो प्लाज्मा है जो 55% है, ये बात याद रखना, जिसमें प्रोटीन वगैरह कुछ कुछ चीजें पाई जा सकती हैं। कहीं पे कोई समस्या होगी तो पूछना। जब मैं ब्लड सेल्स की बात करूंगा तो ब्लड सेल्स में जो है ये है आपका आरबीसी। आरबीसी को कई बार घुमा के क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। लिखो, इरिथ्रोसाइट्स क्या है? आरबीसी का ही नाम है। और WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। उसी प्रकार तीसरा होता है प्लेटलेट, जो भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? आरबीसी है। WBC देख रहे हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर गोल होना जरूरी नहीं है, वो दूसरा एसिमेट्रिकल होता है, असममित प्रकार का होता है। ठीक है, बेसिकली यहां पे मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं, इसे गौर से समझिए, बहुत काम की चीज है। ये देखो, ये आपका क्या हो गया? आरबीसी हो गया। ये क्या हो गया? WBC हो गया। ये क्या हो सकता है? यहां पर प्लेटलेट हो गया। तीनों चीजें हैं, तीनों ब्लड सेल्स हैं। अब ये क्या है? जैसे पानी का पाइप नहीं होता, पाइप के अंदर जो है पानी फ्लो होता है, गार्डन पाइप जैसा है, तो वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जब हमारे इस ब्लड वेसल्स में, यहां पर देखेंगे, इसका जो ओवरऑल देखा जाए, इसका लाइक क्षेत्रफल या एरिया इतना है। इसमें मान लो जैसे पानी बह रही है तो बड़े प्रेशर के साथ बहती है, एक नॉर्मल प्रेशर के साथ। लेकिन क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? नैरो कर दें, इसे नैरो कर दें। तो कैसे? कब नैरो होता है हमारा ब्लड वेसल्स? जब कोलेस्ट्रॉल की थिकनिंग हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैट और अल्कोहल का मिश्रण है। तो वो क्या है, इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। ऐसे पाइप के अंदर कहीं पे कोई रुकावट या कोई चीजें अंदर जम जाएगी ना, तो संकरा नहीं हो जाएगा और उस जगह पाइप फट भी सकती है। तो वैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल थिकनिंग हो जाएगा तो ये नैरो हो जाएगा, संकरा हो जाएगा। इधर प्रेशर के साथ क्या है, ब्लड आएगा, लेकिन यहां पे तो नैरो है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर की चीजें जो है फट जाएगी, ये ब्लड वेसल्स फट जाएगा। यदि ये ब्रेन में फट जाता है तो फिर ब्रेन रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं। यदि ये हार्ट में फट जाता है तो हार्ट रिलेटेड डिजीज होते हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड आगे जा ही नहीं सकेगा, तो हार्ट कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है इसे, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, वो एक विशेष प्रकार का जो है आर्टरी पाया जाता है आर्ट में, उसी पर्टिकुलर चीज में ब्लॉक होने पर हार्ट अटैक कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल समझ में आ गया। तो इस कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देना है, आप पूरे लाइफ लॉन्ग कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल कैसे जमता है? एक्स्ट्रा फैटी चीजें खाते हैं, तो अगर आप फैटी चीजें, कार्बोहाइड्रेट चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उतना लिबरेट कर दो, उसको जमने मत दो। लेकिन खा रहे हैं और फिजिकल वर्क नहीं कर रहे तो हम मोटे हो जाते हैं, हमको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होने लगती हैं एज बढ़ने के साथ साथ, तब ये प्रॉब्लमेटिक है।
क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था तीन बेसिक न्यूट्रेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। वो तो आवश्यक चीज है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हमारे बॉडी में लेते हैं और उसे हम यूज ही नहीं कर पाते, तो वो जमा होने लगता है, तो इसलिए उसके बाद जो है प्रॉब्लम होना चालू होता है। ठीक है, तो प्रोटीन, विटामिन, फैट का एक निश्चित मिश्रण जरूरी है, अगर हम उसे प्रॉपरली क्या है यूज करते जाएं तो बॉडी जो है अच्छा हेल्दी होता है। लेकिन किसी की भी मात्रा ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमता है। ठीक है, तो एक ऐसा चीज भी होता है कि कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल नुकसान करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नुकसान नहीं करता। और इसलिए समय समय पर देखे कुछ ऐसे चीज़ें आप गूगल करोगे तो मिलेगा कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं भी हैं तो फैट बर्न हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जम ही नहीं पाता। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, ये आपका क्या है बेसिकली इसी से रिलेटेड है। नाउ मुझे इन ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ब्लड सेल्स को बताना पड़ेगा, और इसमें बहुत कुछ छुपा है। इसे आप समझ जाओगे ना तो आप सिस्टम में अलग से कुछ पढ़ने की इस सेल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान देना, केयरफुली समझना, कोई भी कंटेंट इसमें आपको लर्न कराने का प्रयास नहीं करूंगा, समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्या है हमारा ब्लड सेल्स, रुधिर अणु मतलब ब्लड सेल्स, जो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या है मैंने कहा, आरबीसी, आरबीसी हो गया, इधर क्या हो गया, ये आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, और ये क्या होगा, प्लेटलेट हो गया, प्लेटलेट हो गया। ठीक है, और यदि मैं इसे देखूं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट में उसमें नहीं लिखा था तो लिख लो थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, चलो अब आरबीसी जो है हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होना चाहिए बताओ, कितना ग्राम होना चाहिए, कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, एचबी। ठीक है, तो गर्ल्स में क्या है 14 ग्राम, लगभग 12 से 14 ग्राम होता है, और बॉयज में क्या होता है 14 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, इतना जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए, एचबी काउंट कहा जाता है। गर्ल्स में थोड़ा सा कम होता है, 12 से 14 भी होगा तो 14 ग्राम के आसपास, 13 14 12 से 14 के बीच में कोई भी रेंज आएगा तो ठीक है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जैसे जिनके में खून की कमी, एनीमिया जैसी चीज होती है ना, तो ये सब कम हो जाता है। ठीक है, हाँ अब सुनिए, यहां पर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को मैंने क्या कहा कि शरीर का चौकीदार है कहा, और शरीर का चौकीदार है तो डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ल्यूकोसाइट है, कौन सा इनमें से क्या है, ऐसा क्या है डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो दो प्रकार की चीजें होती हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स यानी कणिकाएं होती हैं उनको ग्रेन्यूलोसाइट कहा जाता है, जिसमें कणिकाएं नहीं होती एग्रेन्यूलोसाइट कहा जाता है। पहले मैं उनके दोनों सिपाही के बारे में बता देता हूं, डब्ल्यूबीसी चौकीदार है, और चौकीदार के क्या हैं यहां पर देखते हैं कि बेसिकली दो उनके क्या हैं सिपाही हैं। तो इसमें ए ग्रेन्यूलोसाइट आइए, और ए ग्रेन्यूलोसाइट में देखिए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में यहां पर देखते हैं कि बी सेल और टी सेल है ना। मैंने कहा डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, ए ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्यूलोसाइट, और इसे पहले इस प्रकार याद रखो, देखो इसमें याद रखना ML, ml मतलब मिलीलीटर, ऐसा याद रखना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये है, लिम्फोसाइट ये है। ठीक, इसे कैसे याद रखना, तो इसे देखो a, उसके बाद b और उसके बाद n। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a b n, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हर किसी से नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ये सब क्या है WBC के टाइप्स हैं, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स है, PSCA से पेपर में ग्रेन्यूलोसाइट या टेक्निकल एग्जाम में यहाँ पे और अंदर की चीजें पूछी जाती है, इनमें से कौन ग्रेन्यूलोसाइट है कौन एग्रेन्यूलोसाइट है, उसको आपको यहाँ नहीं करना है, केवल ABN याद रखना, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इधर ML से याद रखना मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मैंने कहा WBC के दो सिपाही। चलो इस बार हम कोविड को सीधा रिलेट करो यहाँ पर, जैसे कोविड का पीरियड चल रहा था तो कोविड तो वायरस से हो रहा था, सार्स कोव 2 नाम की वायरस से हो रहा था। कोई खांस रहा है उसके पास हम चले गए, किसी के कांटेक्ट में आ गए, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से यानी कि श्वसन मार्ग से अंदर चला जाता था और इन्फेक्शन फैलाना चालू होता था। तो
तो शरीर के अंदर कोई भी चीज, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, वर्म्स हो, कुछ भी हो, हमारे बॉडी में जैसे ही पहुंचता है, तो जैसे किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो बाहर गार्ड खड़ा होता है, तो गार्ड पूछता है कहां जाना है, एंट्री करता है, फलाना 102 नंबर में, 105 नंबर में जाना है, आप कहते हो, इट इज सिमिलर लाइक दैट, कि जब जो है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस कोई भी चीज आता है तो उसे गार्ड से वो पूछता नहीं है, कहीं से भी वो चला जाता है, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है और देखेगा ही हमेशा, बाहर से कोई भी चीज आएगी, WBC तो सब तरफ है, ब्लड सर्कुलेशन तो सब तरफ हो रहा है, तो WBC देख लेता है और देखते ही सीधा अलर्ट कहता है, अपने दोनों सिपाही को कहता है कि बाहर से कोई आया है, उसे जाओ, उसे पकड़ो और उसे किल करो। तो किसको बोलता है, देखो टी और क्या है यहां पर बी लिखा हुआ है, तो टी सेल को कहता है, टी तुम उठो, जाके देखो, उसे पकड़ो, उसे मारो। तो टी कहता बी को, बी तुम क्या करो, हथियार रेडी करो। हथियार मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी बनाता है। एंटीबॉडी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, एंटी मतलब बॉडी के अगेंस्ट में काम करने वाला एंटीबॉडी। बॉडी क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी, वो बॉडी है। शरीर के अंदर प्रवेश किया तो उसको मारना है, तो मुझे एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। तो एंटीबॉडी बनाता कौन है, बी सेल, लेकिन उसे बनाने के लिए कहता कौन है, टी सेल। तो टी सेल प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी निर्माण में क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, लेकिन निर्माण कौन करता है, बी करता है। बातें समझ में आई। तो कोविड के समय में, अभी सुनिए, अभी कोविड वायरस बॉडी के अंदर गया, WBC देखा, टी को बोला कि तुम जाके उसे पकड़ो और अलर्ट करो। तो टी जो है बी को बोलता है जल्दी एंटीबॉडी बनाओ, उसे मारने जाना है। ये दोनों जाते हैं फिर उसे मारने, लेकिन देखते हैं दुश्मन पावरफुल है, कोविड वायरस जो है नया वाला दुश्मन है, उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हो। अगर उसे क्या कर देते, मार देते, तो आप कोविड पॉजिटिव होते ही नहीं। इसीलिए कुछ लोग क्या है, थोड़े समय में क्या उनको सर्दी खांसी हो जाती है, और कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है तो नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं होती। दो बार बारिश में भीग के आ गए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम यानी उसमें के अंदर एंटीबॉडी जो होता है काफी मजबूत है। ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब क्या करेंगे, इस बार हमने कोरोना का वैक्सीन ले लिया। तो कोरोना वैक्सीन लेने का मतलब समझते हो, आपने रियल में कोविड वायरस को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया है, इंजेक्शन से। तो आप कहेंगे कि वो क्यों, दरअसल जो वायरस है ना, वायरस मान लो ये होता तो इसका हाथ पैर को जो नुकसान पहुंचाता उसको हमने क्या कर दिया है, काट दिया है, डिसेबल कर दिया है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। जैसे इंजेक्ट करेंगे फिर वही प्रोसेस, WBC देखा कोई दुश्मन आया है, वो बी और टी को कहता है जाओ उसे मारो, तो बी फिर से एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो जिसका DNA या RNA जैसा होगा, यानी उनका न्यूक्लिक मटेरियल जैसा होगा, उसी के अनुसार, उसी के विपरीत ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, उसी के विपरीत, उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा। तो इस बार दोनों एंटीबॉडी बना के जाते हैं किसके पास, इसके पास। इस बार दुश्मन वही है लेकिन उसके हाथ पैर कटे हुए हैं तो नुकसान नहीं पहुंचा पाता, और ये प्रतिरक्षी उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस प्रकार आपको कोविड से सुरक्षा मिल जाती है। समझ में आया। तो कोविड से सुरक्षा कब मिलेगी, जब एंटीबॉडी हावी होगा उस पर, बाहरी वाले दुश्मन पर। इसीलिए जब भी कुछ भी सर्दी खांसी या कुछ भी होता है, तुरंत आप मेडिसिन मत लिया करना, थोड़ा अलाउ करना बॉडी को कि वो उसके साथ लड़े, और जब एंटीबॉडी वो बना लेगा तो अगली बार जब उतना ही परिस्थिति होगा जिसके कारण आप सर्दी खांसी पहले हुई थी, इस बार आपको नहीं होगा सर्दी खांसी, क्योंकि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है, तो आप आसानी से बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन तुरंत से गोली खाने, तुरंत से मेडिसिन लेने से क्या होगा, आपने एंटीबॉडी बनने तक वेट ही नहीं किया, आपने बाहर से दवाई ले लिया है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। ये है बेसिकली बी सेल और टी सेल। तो बी सेल और टी सेल क्या है, इसी को लिम्फोसाइट कहा जाता है। लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट यानी WBC का टाइप है। समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, यस और नो? नो, हाँ समझ आया। ठीक है, चलो बाकी चीजें तो है, एक बार देखना शरीर की सबसे बड़ी क्या है, WBC का नाम क्या है, मोनोसाइट। लिख लो, सबसे बड़ा WBC का नाम क्या है, मोनोसाइट। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा,
लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का नाम मोनोसाइट और सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी का नाम लिम्फोसाइट। ठीक, चलो अब बाकी चीजें आप ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक बात देख लो कि शरीर में 20-25% क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, 2-10% मोनोसाइट होता है। परसेंटेज वगैरह नहीं पूछेगा, बस बेसिक आइडिया के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। दिए गए डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। ये काम की चीज है, इसलिए इसका परसेंटेज थोड़ा याद रखना, 20-25% होता है। मोनोसाइट कितना होता है, 2-10%। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है ना, और ये सबसे छोटा है, और सबसे ज्यादा वाले को देख लिया आपने। ठीक है, ईओसिनोफिल्स जिसमें ईसिनोफिलिया बढ़ गया है बोलते हैं ना, बहुत खांसी आती है, ईओसिनोफिल्स बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा खांसी वगैरह आने लगती है, तो इसको भी मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखें, काफी है। बाकी आपको पीएससी लेवल पे जाना होता तो थोड़ा और अंदर पढ़ना पड़ता। ठीक है, ये सब क्या है, सब के सब अल्टीमेटली डब्ल्यूबीसी के ही टाइप है, तो सभी के सभी क्या करेंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इधर देख रहे हो सब, एलर्जी प्रतिरक्षण में सहायता करती हैं, ये हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह करती हैं, दिस करके छोड़ सकते हो, है ना। आगे बढ़े, समझ में आया, काम काम की चीजें मैंने बता दिया। ये तीनों नाम आपके व्यापम में पूछे जाते हैं, ये नाम में ही आपको फंसना नहीं है। दूसरा ML और ABD, ABN से याद रखना, बाकी चीजें आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, यहां पर जो चीज मैंने बताया है वही चीजें हैं। WBC RBC के बारे में थोड़ा डिटेलिंग किया हुआ है, WBC डिटेलिंग तो कर लिया, अब RBC का थोड़ा सा देख लेते हैं। RBC क्या है, गोल होती है, उसका लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और इसमें याद रखना ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी लिखो, पहला एरो निकालो, नो न्यूक्लियस, कोई केंद्रक नहीं। दूसरा लिखिए, इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण है। तीसरा लिखिए, इनका जीवन काल 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी कहां बनता है बताओ, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, बोन मैरो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझे यहां पर क्या है, आरबीसी बन कहां रहा है, हड्डी के बीच में, हड्डी जो होता है ना उसके बीच में क्या होती है, बोन मैरो अस्थि मज्जा होती है। इस जगह आरबीसी बन रही है, जन्म स्थान है, तो उसका कब्रिस्तान कौन सा है, स्प्लीन यानी प्लीहा, एक ऑर्गन होता है प्लीहा, स्प्लीन यानी प्लीहा, ये क्या है, उसका कब्रगाह है, यानी कि वो कब्रिस्तान है कह सकते हैं, उसका ग्रेवयार्ड है। ठीक है, समझ में आया। रक्त के पीएच को सीजीपीएससी व्यापम ने दोनों ने पूछा है 7.4 करना, कितना है रक्त का पीएच, कितना होता है 7.4, मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, बेसिक होगा, 7 से ज्यादा है तो पीएच वैल्यू तो बेस प्रकार का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं, यहां पर जैसे हमारे शरीर में कितनी ब्लड होती है, करीब 6 लीटर होती है, 5-6 लीटर होती है। ठीक है, शरीर के अंदर जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो जमना नहीं चाहिए, क्लॉटिंग होना नहीं चाहिए, लेकिन ब्लड शरीर के जैसे ही बाहर आएगा तो आपको समझ लेना है 1.5 मिनट के अंदर, 1.5 से 2 मिनट के अंदर वो जम जाना चाहिए, यानी कि कोएगुलेशन यानी स्कंदन हो जाना चाहिए। ठीक है, शरीर के अंदर जो ब्लड जमाने में, ब्लड नहीं जमाने में जो हेल्प करता है शरीर के अंदर, इनसाइड बॉडी, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड जम जाएगा तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा, तो इसलिए शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता उसका नाम है हीपेरिन। हीपेरिन जो है कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। ठीक है, लीवर से निकलता है, तो याद रखना ये लिखा हुआ है ना, हीपेरिन एंटी थ्रोम्बिन नामक एंटी कोगुलेंट पदार्थ पाए जाने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, ब्लड जमाने में मदद करेगा, ये एंटी थ्रोम्बिन है जिसे हम हीपेरिन कह रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कहीं पे कोई समस्या, एक एक चीजें आप लोग अपने क्वेश्चन भेज भी सकते हैं कनेक्ट टू टीचर के थ्रू। ठीक, चलो, खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। खून की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है,
एनीमिया जैसा ही है, ये एनीमिया ही ये कह सकते हो, इस्कीमिया, दोनों में क्या खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और खून की कमी को हम दूसरे शब्द में भी क्या कह देते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है भी कह देते हैं। खासकर गर्ल्स याद रखना कि उनके में जो होती है कि ब्लड हीमोग्लोबिन का लेवल कई बार कम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा मेंटेन करके रखना है, अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें, ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, उसका जरूर हमेशा सेवन करना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करता हूं अगला। जब हम बात करते हैं WBC, जिसे मैंने बता दिया था, एक पॉइंट आपको यहाँ ऐड करनी है, वो क्या है, RBC का जीवन काल कितना था, 120 डेज था, तो इसका 10 से 13 दिन लिखा है, चलो 13 दिन लिख दो, 10 से 13 दिन इसका लाइफ साइकिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कोई किताब नहीं पढ़ने पड़ेगा। और इधर देखो, इसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि मैंने कहा उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसमें, आरबीसी में, है ना। और आपको याद रखना है दोनों में, थोड़ा समझ लो, ब्लड के तीन सेल्स हैं, तीन ब्लड सेल्स हैं, तो केवल WBC में ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ना RBC में पाया जाएगा ना प्लेटलेट में पाया जाएगा। तो WBC एकमात्र ऐसा ब्लड सेल्स है जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखें, ये लिखा हुआ वही प्लेटलेट, प्लेटलेट में कोई आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्लेटलेट करता क्या है, ये क्या करता है, आपके ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स में प्लेटलेट जो होता है, जहां पर भी चोट लग जाती है तो रक्त के स्कंदन में मदद करता है और वहां पर रिपेयरिंग करने का काम करता है, सेल्स को, कोशिकाओं की मरम्मत करता है। कहीं पे चोट लग गई, वहां ब्लड क्लॉट हो गया, फिर सूख गया वो जगह, और फिर धीरे धीरे वो स्किन वापस से रीस्टोर हो जाता है, तो उसमें कौन मदद करता है, प्लेटलेट मदद करता है, ठीक है। दिमाग में क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको सेपरेट सेपरेट देख रहे हैं, हमने WBC RBC प्लेटलेट तीनों को सेपरेटली देख लिया है, काफी चीजें इतनी सारी है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, अब क्या आता है कि जो ब्लड के क्या क्या कार्य है, इस चीज को भी थोड़ा देखना है। ब्लड हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, गर्ल्स में ये क्या है, लगभग 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है, 4 से 5 लीटर होता है। यदि मैं कहूं क्या करता है, तो सबसे पहले तो याद रखना कि आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप की चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, आप पढ़ चुके हो, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन का, प्रोटीन का, विटामिन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट, सबको ब्लड में मिला दिया जाता है, याद करो, और सबको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। मतलब ये बहती हुई नदी है और नदी का जो रास्ता क्या है, ब्लड वेसल्स है, धमनी और शिरा है, आर्टरी और वेन है, जिसके अंदर बहुत सारे सामान है, उसमें ऑक्सीजन, CO2 भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन्स भी है, उसमें हम जो खाए थे वो ब्लड में मिला दिए जाने वाला बहुत सारे न्यूट्रेंट भी है, साथ ही साथ उसमें कहेंगे कि प्लाज्मा भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहते हुए जा रही हैं और सभी जगह जा रही हैं, अपने अपने सेल्स के द्वारा वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर लिया जाता है, जिसे एसिमिलेशन मैंने बताया था पहले, ठीक है। इसके अलावा देखो, चोट भरने में हेल्प करेगा, शरीर में ब्लड में जो है वाटर और आयंस का उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। वैसे ही बात करूं, इसको ध्यान से समझिए, शरीर का ताप नियंत्रण में मदद करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, और चूंकि इसमें WBC है तो बाहर से सुरक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि उसी के अंदर WBC मौजूद है, ठीक है। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीजें समझनी है, जो भी चीजें देखो, हार्मोन्स क्या होते हैं पता है, थोड़ा समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लैंड यानी ग्रंथियों से निकलता है किसी भी प्रकार का सिक्रेशन, विभिन्न प्रकार का श्रावण निकलता है। तो बेसिकली अगर मैं कोई ग्लैंड कहूं, कोई ग्रंथि कहूं, ग्रंथि से क्या है, कोई भी इस प्रकार ट्यूब्स यानी नलिकाओं में बहता है, तो इसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, लेकिन वो डक्टलेस हो, मतलब यहां से सीधा निकल गया है ना, ये पाइप नहीं है, सीधा क्या है, इस सिक्रेशन यानी जो भी चीजें सिक्रेट हो रही, स्त्रावित हो रही है, बिना डक्ट के बहती है, बिना नलिकाओं में बहती है, तो उसे क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। तो हार्मोन हमेशा क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम इसलिए कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बिना डक्ट के वो रिलेटेड ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा,
तो ब्लड के थ्रू, ब्लड में मिला दिया गया है, हार्मोन का परिवहन है, तो वो उसका खुद का वेसल्स नहीं होता, वो ब्लड में मिला दिया जाएगा और जिस जिस ऑर्गन को जो चीज चाहिए, जो हार्मोन, वो ऑर्गन वो यूज कर लेगा वो, ठीक है। तो एक बहती हुई नदी है जिसमें बहुत साफ टाइप के सामान है, जिसको मैंने आप लोगों को यहां पे बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो डिफरेंट टाइप के ब्लड हैं, ये ब्लड को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, फिर मैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर वाली चीजों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, एग्जाम में पूछा गया है। और एक होता है आरएच फैक्टर, जिसी के आधार पर हम ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसा टाइप की पॉजिटिव नेगेटिव चीजों कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट है पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो आरएच फैक्टर के बारे में किसने बताया था? तो यहां पर दोनों चीजों को समझनी है, ठीक है। जब मैं यहां पर कहता हूं ब्लड ग्रुप को, मैंने कहा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जब बताया कि उसमें बहुत प्रकार के प्रोटीन, एंटीजेंस और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजेंस और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप को डिटेल करने की जरूरत है, क्योंकि ये सीजीपीएससी का कंटेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन है, जो किसमें पाए जाएंगे? ब्लड में पाए जाएंगे। प्रोटीन बहुत सारे हो सकते हैं हमारे शरीर में, कुछ प्रोटीन का निर्माण तो हमारे शरीर के अंदर ही होता है, कुछ प्रोटीन हम खाते हैं दाल से या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के रिच कंटेंट से, ठीक है। तो प्रोटीन और प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन और बाहर का प्रोटीन, दोनों की पेयरिंग होती है, जोड़ी बनते हैं, उसके अंदर एमिनो एसिड होते हैं, उसकी जोड़ी बनती है एक्चुअल में, और वो प्रोटीन हमारे शरीर में यूज होती है। जब बाहर से कोई चीजें अंदर नहीं लेंगे तो उनकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो प्रोटीन यूज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको सीधा ब्लड ग्रुप बताता हूं, ब्लड ग्रुप बताता हूं क्या क्या होता है, जिसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फिर ब्लड का जमना सिखाऊंगा। यहां पर हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप पे आप लोगों को दो चीजें समझनी है कि कौन किसे देता है और कौन क्या लेता है। तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है, ठीक है। ए बी वाले और ओ वाले, ओ वाले क्या है? दानवीर कर्ण है, और ए बी वाले क्या है? सेल्फिश है, ठीक है, ऐसा याद रखना। सेल्फिश इसलिए कहेंगे जो सबसे लेता है, देता किसी को नहीं है, और ओ वाले दानवीर हैं, वो सबको देते हैं, जिसको लेना है लो। तो यहां पे लिख लो, ये क्या है आपका, ये यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता, कौन सा, ये ओ, और ये लिखना सार्वत्रिक यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सार्वत्रिक ग्राही, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर हमको समझना है कि कौन किसे देता है, लेता है, आप लोगों को एक टेबल बनाना है, इस टेबल से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस टेबल को बनाइए, ये बहुत काम की चीज है, और इससे कुछ चीजें अभी आपको समझ आएगी। इधर लिखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिंदी में लिखेंगे रक्ताधान, कौन किसे देता है, कौन किसे लेता है, ठीक है। तो यहां पर इधर में आप लोगों को लिखना, मैं इंक चेंज कर देता हूं, ये है ओ, ये है ए, उसके बाद ये है ए बी, और ये बी हो जाएगा, उसके बाद ए बी हो जाएगा,
ये है आपका बी और ये हो गया ए बी। सेम सीक्वेंस इधर लिखिए, यहाँ पर ओ, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी। इस सीक्वेंस को लिखने का कुछ मतलब है यहाँ पर, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ऐसा करके बना लो, ठीक है। इधर वाले में लिखना ये क्या होता है, आपका ग्राही रिसेप्टर। लेफ्ट साइड में लिखना क्या है, रिसेप्टर ग्राही, और राइट साइड में लिखना दाता, ऊपर में लिखना दाता। ये लिखना आपका डोनर का है, ये सब डोनर वाले हैं, और ये क्या है आपका रिसेप्टर या एक्सेप्टर लिखेंगे, है ना, रिसेप्टर। इसे लिखेंगे ग्राही और इसे लिखेंगे दाता। चलो लिख लो, इसके बाद इसको समझते हैं। अब आपको लिखना है, इसको देखना है, ओ किसे किसे दे सकता है। ये डोनर है और ये रिसेप्टर है, ओ किसे दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, तो क्या ओ को दे सकता है, ओ ए को दे सकता है, सबको देगा, दानवीर कर्ण है ये, तो ये भी दिया, इसको भी दिया, ठीक है, समझ में आया। अब ये तो सबको समझ में आता है, जब मैं बी को कहूंगा ये यूनिवर्सल डोनर है तो कह दिया, तो तब तो समझ में आया, लेकिन जब ए बी और इनकी बात करेंगे तब कैसे करोगे। तो आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक याद रखना, ए वाला जो किसको देगा तो आप ए खोजना, ए वाला किसको देगा तो आप ए खोजना। तो ए कहां कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। जब बी वाला किसे देगा पूछा जाए तो बी खोजना, बी यहां पर है, यहां पर है, समझ में आया। चलो करके देखते हैं, ओ क्या ओ को देगा, ए नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं देगा। ए में ए नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, इसे देगा। उसके बाद ए वाला बी में आ रहा है, नजर आ रहा है क्या, देखो नहीं आ रहा है। ए वाला यहां पर ए नजर आ रहा है क्या, यस ये देखो ए है, तो इसे भी दे देगा, समझ में आया। बी वाले में भी सेम ट्रिक, बी वाले में बी खोजिए, ये डोनर है तो देखो कौन कौन लेगा, तो हमको बी खोजना है, तो बी वाला किसे देगा, क्या ओ में बी नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लेकिन ए में नजर आ रहा है क्या, यहां भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बी इसमें नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल बी यहां नजर आ रहा है, ये बी इसको दे रहा है क्या, देखो बी नजर आ रहा है क्या, यहां पर आ रहा है, तो यहां पर आ गया, समझ में आया। अब ए बी के बारे में तो आप सभी को पता है भाई कि ये क्या है, यूनिवर्स सेल्फी सही है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, लेकिन वो कभी किसी को देता ही नहीं, सिर्फ अपने वाले को ही देता है। सेल्फिश लोग अपने ही से मतलब रखते हैं ना, अपना है तो उसी से मतलब रखते हैं, बस समझ में आ रहा है हर किसी को। ए बी वाला ओ को देगा क्या, नहीं देगा। ए बी को दे, ए को देगा क्या, नहीं देगा। बी को भी नहीं देगा, वो अपने बिरादरी वाले को दे रहा है, तो ए को दे रहा है। अब हमारे पास आंसर भी निकल गया, देखो हमारे पास पूरा आंसर निकल गया जो हमने लिखा हुआ है, ये क्या है और ये क्या है। यूनिवर्सल डोनर निकल रहा है, देखो ये सबको दे रहा है, ये यूनिवर्सल डोनर निकल के आ गया, सबको दे रहा है। जब मैं कहता हूं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये तो एक्सेप्टर वाला है, तो देखो ये इससे भी ले रहा है, सबसे ले रहा है, सबसे एक्सेप्ट कर लिया, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। लेकिन नॉर्मल ट्रिक वही है, इसको सेल्फिश मान लेना ए बी को, और ये कर्ण मान लेना इससे ए बी वाले को। उसके बाद बात समझ में आएगा कि पर्टिकुलरली कि ए बी किसे किसे देता है, तो अपने अपने वाले को खोजना, ए में ए खोजना, बी में बी खोजना, बस उसी से ही आपका लॉजिक बन जाता है, और उसी के बेस पे ये टेबल बन जाता है। ये टेबल आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। चलो अब जो है आर एच फैक्टर, क्यों किसने खोजा था, देखो ब्लड ग्रुप तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था, तो आर एच फैक्टर को कौन खोजा था, मैं बताता हूं, दोनों ने मिलकर खोजा था, लैंडस्टीनर प्लस वीनर ने खोजा था। क्या खोजा था, आर एच फैक्टर। ये आर एच प्लस या आर एच माइनस जो है, एक मंकी था, रीसस मंकी, हमारे पूर्वज कौन है, मंकी है, क्योंकि उनका डीएनए हमारा डीएनए मैच करता है, और मैच कर रहा है मतलब हमारे पूर्वज वही हैं, उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर आरएच फैक्टर जो है रिसेस मंकी में पाया गया था, और इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहा जाता है, ठीक, समझ में आया, कहीं कोई समस्या, आगे बढ़े, ठीक।
तो आप लोगों को इसमें कोई भी चीज, खासकर ये पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये सब चीजें आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप में आप लोग किसमें एंटीजन है, किसमें एंटीबॉडी नहीं है, इस बात को भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग को यहां साइड में आप लोग बना लेना। जैसे आपके पास आ रहा है, जैसे ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप है, उसमें क्या है, उसका मतलब समझते हो ना, इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा ना एंटीबॉडी एंटीजन पाया जाएगा, इसलिए इसे एक्चुअल में जीरो कहा जाता है, लेकिन हम उसे ओ कह देते हैं। ना एंटीबॉडी मिलेगा ना एंटीजन मिलेगा, दोनों क्या है, प्रोटीन है जो ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नो एंटीजन नो एंटीबॉडी, ओ के सामने लिख लो, साइड में कहीं एरो निकाल के या एक कॉलम और बना लो, नो एंटीजन नो एंटीबॉडी। और एबी वाले में दोनों पाया जाएगा, एंटीजन ए और बी दोनों प्रकार का पाया जाएगा, और बी में बी प्रकार का, ए में ए प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन है ना, एंटीबॉडी को थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं, थोड़ा सा एक आप लोगों को मिस्टेक हो जाएगा अदरवाइज, यहां पर क्या लिखा रहा हूं थोड़ा गौर से समझना, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाओगे। देखो जो चीज मैं आपको बताया हूं, आप फिर से बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। यहां पर हमारे पास इस प्रकार ये क्या है, एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन है, ये क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है। इधर ब्लड ग्रुप है क्या है, ओ है, ए है, बी है और ए बी है, ठीक है। अब मैंने यहां पर कहा पहले में कहा ना एंटीजन पाया जाएगा ना एंटीबॉडी पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जा रहा है, ठीक, क्लियर हुआ। लेकिन मैं ए में कहूंगा तो ए प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा, बी, तो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी प्रकार का पाया जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी आया ना तो हमेशा याद रखना जो पाया जा रहा है उसके विपरीत वाला, अगेंस्ट वाला, तो ए में ए प्रकार का एंटीजन प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसके एंटीबॉडी क्या होगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखो बी में कौन से प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, तो बी प्रकार का, इसका एंटी वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि इसमें कौन सा प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, ए और बी दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। एक प्रकार का एक प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है, ये लिखा हुआ ना यहां पर, देखो इसमें देखो एंटीजन क्या है, जो एंटीबॉडी निर्माण में मदद करता है, और वास्तव में है क्या, ये प्रोटीन ही है ना। एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने में निर्माण करता है, जो एंटीजन मिलेगा उसी का अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी मिलेगा, समझ में आया, है प्रोटीन ही जो ब्लड के अंदर पाया जा रहा है, समझ में आया, ठीक है। ऐसे वाले प्रश्न आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसमें तो लिखा है, देखो दो विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसे एंटीबॉडी और एंटीजन कहते हैं, समझ में आया, तो सिंपल सी बात मानो, ये प्रोटीन है। चलो आगे समझ में आया, एंटीजन एंटीबॉडी को मिस्टेक तो नहीं करोगे, समझ में आ जाएगा सभी को, ठीक है, और ये भी मिस्टेक नहीं करोगे, आसानी से बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास आता है अब क्या जाएगा, अब ब्लड कोएगुलेशन यानी रक्त का स्राव, थोड़ा इसे देखें, तीन स्टेज में बहुत आसानी से। अगर आपको यहां पे किसी को चोट लग जाती है, बहुत आसानी से समझना, किसी को चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होना लगता है, तो रक्त का स्राव, ब्लीडिंग होना चालू हुआ, ब्लीडिंग होना चालू हुआ तो कौन, ब्लड के अंदर क्या चीजें हैं, ब्लड प्लाज्मा और मतलब ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, WBC RBC और प्लेटलेट है, WBC RBC प्लेटलेट है,
डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी तो रेड होता है पहचान जाओगे, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कलरलेस होता है, और आपको या व्हाइट होता है कह सकते हैं, व्हाइट होता है जो कलरलेस जैसा ही है, ठीक है, प्लेटलेट भी वैसा ही होता है। तो जैसे ही ब्लड निकला तो प्लेटलेट जो है किसके कॉन्टेक्ट में आ गया, वायु के कॉन्टेक्ट में आ गया, एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया। जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आया ये क्या करेगा, ये सीधा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसका निर्माण कर देगा, क्या कर देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन बनाएगा। ये सब के सब प्रोटीन है, प्लेटलेट क्या है, ब्लड प्रोटीन है, ब्लड जो है पार्टिकल भी है लेकिन ब्लड प्रोटीन भी है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी तक थ्रोम्बोप्लास्टिन क्यों नहीं बनता था, क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आता था, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ब्लड में मौजूद कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन पहले से मौजूद है ब्लड के अंदर, ये भी क्या है, प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन शरीर में क्या है, लॉक फॉर्म में है, फोन को अनलॉक करते हो ना तो वैसे ही ये क्या, लॉक है। इसके साथ जैसे ही क्या है, कैल्शियम रिएक्शन करेगा, ये कैल्शियम कहां से पैदा हो गया, ब्लड में मौजूद है भाई, ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ये क्या करेगा, ये निष्क्रिय है, इसको किस में बदल देगा, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगा, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब ये थ्रोम्बिन की बात देखो, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन यहां पे ब्लड में मौजूद डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके किसमें बना देगा, थ्रोम्बिन, एक प्रकार का फाइब्रिन नाम का, फाइब्रिनोजेन नाम का क्या बनाएगा, फाइब्रिनोजेन नाम का जो है एक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान से समझना है, पहला चोट लगा, ब्लड बाहर निकला, ब्लड में प्लेटलेट मौजूद है, वो एयर के साथ कॉन्टेक्ट किया, रिएक्शन कर दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, जैसे ही बना ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में मौजूद कैल्शियम के साथ, देखो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये था, इसका स्राव हुआ, जैसे ही स्राव हुआ ये सीधा सीधा क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस क्या है, कैल्शियम प्लस ये प्रोथ्रोम्बिन। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन कहां से पैदा हो गया, क्योंकि ये इसमें चेंज हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन में, और प्रोथ्रोम्बिन पहले से जो मौजूद है उसके साथ कैल्शियम रिएक्शन करेगा और थ्रोम्बिन बदल देगा। थोड़ा आपको यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं रिपीट कर देता हूं, ये प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बना ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये जैसे ही बना वो सीधा क्या कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा, ये पहले से मौजूद है और कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा, ये निष्क्रिय को सक्रिय में बदल देगा। मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम के रिएक्शन कराने में मदद कर रहा है, जो क्या है, सक्रिय रूप में बदल दे रहा है, इसे एक्टिव फॉर्म में बदल दे रहा है। जैसे ही थ्रोम्बिन बदला, बाद में वही फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या बनेगा, फाइब्रिन का जाल बना देगा, फाइब्रिन का जाल बना देगा, मतलब ऐसा प्रकार का नेट, ऐसा जाल बना देगा। अब जितने भी क्या है, ब्लड बहने लगेगा तो यहां पर ये सब फंस जाएंगे, यहां फंस जाएंगे तो यहां डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। तो ब्लड के क्लॉटिंग में कौन कौन मदद करता है, विटामिन के मदद करता है, कैल्शियम मदद करता है, प्रोटीन प्लेटलेट मदद करता है, तीनों को ट्विस्ट करके पूछा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के मदद करेगा, कैल्शियम मदद करेगा और प्लेटलेट मदद करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो प्लेटलेट से ही हो रहा है, घूम फिर के थ्रोम्बिन बूज देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन दे देगा तो वो भी मदद करता है। इसमें लिखी हुई कोई भी चीज हो एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता शरीर के अंदर वो क्या, हिपेरिन। समझ में आया, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये तीन स्टेज में होता है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अब हार्ट का फंक्शन, और हार्ट का फंक्शन बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो आप लोगों को पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूं ताकि आप इसमें आसानी से रिलेट कर सको। इधर से क्या आ रहा था, लंग से, कल लंग से क्या आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही थी। ये कहां पे एंटर करता है, कहां पे एंटर करता है बताओ, देख के बताओ, हाँ
कहां पे एंटर करता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं राइट की लेफ्ट, राइट की लेफ्ट। मैं ऐसा खड़े हो जाऊंगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा। तो यहां पर कहेंगे है ना, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिन। थोड़ा समझना, ये बहुत काम की चीज है, इसी से ही कल जो पढ़े थे उसी का ही आगे काम आएगा और हेल्प करेगा आपको। लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। लेफ्ट से किस में जाएगा भाई, मतलब कहां से एंटर कर रहा है? यहां पर आप लोगों को थोड़ा समझाना था, लेफ्ट वाले पार्ट से इधर देखिए थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट क्या है आपका? लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल है। ये नीचे वाला पार्ट क्या है? ये जो है आपका राइट साइड, लेफ्ट क्या है? वेंट्रिकल है, बायां नीले है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आपका, ये क्या है आपका? दैट इज राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद है, और ये देख रहे हैं कि दायां नीले है। अब तो समझ में आ गया सभी को, चारों चेंबर समझ में आया? ठीक है, जब भी मामला हार्ट और लंग्स के बीच में हो तो कौन काम करता है? एक्सेप्शन काम करता है, अपवाद काम करता है, धमनी शुद्ध धमनी, या धमनी मतलब क्या है, आपकी आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है, लेकिन एक्सेप्शन काम करता है तो देखो पल्मोनरी वेन इसको जाके ज्वाइन कर रही है। कल वाला पॉइंट, सिरा में अशुद्ध बहता है, वेन में इंप्योर बहती है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला काम कर रहा है। देखो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ज्वाइन कर रही है? लेफ्ट आर्ट्रियम या बाएं आलिंद में, लिख दिया यहां पर। किस में जाएगा? बाएं नीले में। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने लिख दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल कह दिया यहां पर, जिसमें मैंने कहा यहां पर बायां नीले। ठीक है, देखो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहां जाएगा? देखो इधर से ये ऐसा करके ना, देखो इन दोनों के बीच में वॉल पाया जा रहा है, बाइकस्पिड, बायां है तो बाइकस्पिड, दायां है तो ट्राइकस्पिड। तो ये जो देख रहे हैं कि बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड द्विवलनी कपाट कहा जाता है। यहां गया पहले, ये रिलैक्स रहेगा, तो रिलैक्स रहेगा मतलब नॉर्मल है, जैसे ब्लड गया अंदर ये फूल गया, फूल गया, उसके बाद ये पंप कर दिया, तो वॉल्व क्या है? इधर से इधर, आलिंद से नीले, आट्रियम टू द वेंट्रिकल ही हमेशा ब्लड को फ्लो होने देता है एक दिशा में, यूनिडायरेक्शनल। और जब ये यहां आके आके ब्लड जो है बहुत सारा भर गया, अब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जैसे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि ये जैसा ही क्या है, संकुचित होगा। इधर देख रहे हैं ये, यहां से ये होता है आपका कौन सा? ये एओर्टा, ये जो होता है एओर्टा, यहां से क्या है पूरे बॉडी में सभी जगह पहुंच जाती है ब्लड। ये क्या होगा? एओर्टा जो है, ये वाला एओर्टा एक्चुअल में है, ये वाला एओर्टा से क्या है इस प्रकार चला जाता है, ये वाला एओर्टा है महाधमनी, ये वाला नहीं है ना। क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा। तो अगला क्या लिखूंगा? महाधमनी, महाधमनी या एओर्टा। चलो कहां पे पहुंच गया? टू बॉडी, टू शरीर के सभी भागों में, टू टू बॉडी लिख दिया, समझ में आया? शरीर के निचले वाले भाग से शरीर के ऊपरे वाले भाग से, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, है ना, कहा जाएगा सुपीरियर वेना केवा और, है ना, मतलब अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, दोनों जगह से। यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं महाशिरा, महाशिरा मतलब दोनों आ गया, वेना केवा, वेना केवा से क्या है? देखो शरीर में सभी क्या है, सेल से क्या निकला है? CO2 निकला है, इस CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया, अशुद्ध रक्त से कहां जाएगा? वेना केवा कहां जाएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कहां ज्वाइन कर रहा है? देखो ये आ रहा है सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी भाग से, और यहां पर देख रहे होगी इंफीरियर वेना केवा होगा, ये सब के ये यहां ज्वाइन करेगा, ये यहां ज्वाइन करेगा, मतलब किसे ज्वाइन कर रहा है? राइट आर्ट्रियम यानी कि राइट आर्ट्रियम यानी कि दायां आलिंद को, दायां आलिंद को ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दायां आलिंद से कहां जाएगा? दायां नीले जाएगा। इस बार क्या है यहां? फिर वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट।
थ्री वाले नी का पार्ट यहां आ गया, तो ट्राई का स्पीड बॉल, तो यहां पर हम यहां पे किस में कहेंगे, दाया आलिन से दाया नील है, राइट आट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, तो यहां पे लिखेंगे आरवी राइट वेंट्रिकल यानी कि दाया नील है। डिफिकल्ट लग रहा है क्या, समझ आ रहा है ना सभी को? ठीक, इसके बाद कहां जाएगा थोड़ा सा देखिए, इसके बाद देखिए ये यहां से कहां चला जाएगा, फिर मामला हार्ट और लंग्स के बीच आ जाएगा। तो जब भी हार्ट और लंग्स के बीच में होता है तो कौन काम करता है, एक्सेप्शन या अपवाद काम करता है। हमको पता है धमनी या आर्टरी में हमेशा प्योर बहती है, लेकिन ये तो इम्प्योर ब्लड है, CO2 वाली ब्लड है, तो ये कहां जाएगा, कहां जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, कहां जाएगा टू लंग्स जाएगा, तो ये क्या है लंग्स जाएगा, तो मैं कहां ज्वाइन कर दूंगा, टू दी लंग्स जाऊंगा। ठीक है, कौन लेकर जा रहा है यहां पर पल्मोनरी, यहां पर लिख लेना पल्मोनरी क्या है, आर्टरी होगा कि वेन होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगा कि वेन होगा, आर्टरी पीए लिख दिया, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी, ठीक है पल्मोनरी धमनी, कोई कंफ्यूजन कहीं पे, कोई कंफ्यूजन? तो देखो यहां पर इस सीक्वेंस को एक बार बना के देखना अपने हाथों से, अगर ये बना दिए मतलब अपने हार्ट का फंक्शन समझ लिया, ब्लड कहां से कहां जाता है आसानी से आप इसके बेस पे पहचान लोगे। ठीक है, इसमें काम काम की चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है मैं बता देता हूं, खासकर कल मैं चार पांच चीजें बताया था, पल्मोनरी आर्टरी और वेन का रोल बता दिया था, अपवाद कहां से कहां काम करेगा तो अपवाद वाला है। इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि शरीर के विभिन्न भागों से जो इम्प्योर ब्लड है वेना केवा लेकर आता है, और शरीर के विभिन्न भागों में डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेक भेजता है वो एओर्टा यानी महाधमनी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इसमें आप लोगों को देखनी है कि हार्ट में, हार्ट को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि लंग्स से एक बार हार्ट में आ रही है और हार्ट से फिर क्या है लंग्स में जा रही है, मतलब दो बार आना जाना हो रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेटरी कह रहे हैं। ठीक, एक बार लंग्स में आना और एक बार लंग्स में जाना, ठीक है, तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल है। एनी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो पूछ लो, लेकिन ये चीज आप लोग को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें एक नोट बताना, देखो जब भी वॉल्व होगा ना तो वॉल्व दो प्रकार का यहां पर देख रहे हैं, लेकिन अभी धमनी और शिरा में थोड़ा सा मैं आप लोगों को अंतर बताऊंगा, धमनी और शिरा में अंतर, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, ठीक, चलो अब यहां पर आता है, ये वही पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें इसमें आप लोगों को एक जगह थोड़ा सा करेक्शन कर लेनी है, माइनर सा, ये ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीकृत है, बाकी सही है। ये पॉइंट ये आपके नोट्स में है, आपके आपके नोट्स में जो है उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो आप लोगों को मैं अभी लिंक नोट करवाया हूं। चलो अब मैं आर्टरी और वेन को भी बताऊंगा, उसमें दोनों में अंतर, लेकिन ब्लड प्रेशर देखिए, ब्लड प्रेशर में देखेंगे हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जब क्या है, ब्लड जो है इस प्रकार, ब्लड जो है आपकी ब्लड वेसल्स में फ्लो होती है, तो ब्लड वेसल्स में जब इस प्रकार प्रेशर पड़ता है किसके कारण, ब्लड के फ्लो होने के कारण, तो रक्त की, हिंदी में पहले सुनिए, रक्त वाहिनियों के दीवार पर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। ठीक है, प्रेशर इज इम्पोज बाय ब्लड ऑन दी इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है रक्त के द्वारा, ये ब्लड फ्लो हो रही है, इसके द्वारा ये ब्लड वेसल्स पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। कब प्रेशर कम होगा, जब यहां पर प्रॉपरली इस पे लाइक किसी प्रकार का अवरोध यानी रुकावट ना हो, तो कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, नॉर्मल प्रेशर के साथ जाएगा। थोड़ा प्रेशर जरूरी भी है ब्लड फ्लो होने के लिए, लेकिन जब यहां पर ये नैरो हो गया, थोड़ा समय के लिए समझो, इतना पोर्शन क्या है आपका, कोलेस्ट्रॉल जम गया,
इतना पोर्शन जम गया, अब ब्लड होके आएगा तो इस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा या बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, ठीक है। तो इन जनरली ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, ठीक है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक ये क्या होता है आपका 120/80 होता है। इसे देखो दो चीजें होती है, एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और उससे निकलता जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक्चुअल में आपका जो आपका हार्ट होता है वो चार चेंबर होता है, अभी हमने देखा लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। तो इस जगह पे राइट ऑरिकल पे यहां पर पाया जाता है ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड पाया जाता है जहां से हृदय स्पंदन चालू होता है। जब गर्भवती माता की के अंदर गर्भ में पल रही संतान में पहली बार हार्ट का क्रिएशन होता है, हार्ट जब शरीर में बनने लगता है तो उस समय पहली बार डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या करते हैं, हार्ट डेवलप हो गया कि नहीं, हार्ट में हार्ट बीट सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो आजकल देखो पहले समय में क्या होता था कि कोई संतान जो अगली जनरेशन जो पैदा होने वाली है उसके पैदा होने के बाद ही हम जानते थे कि किसी का, कई बार होता था कि लाइक ऑर्गन्स में विकृति आ जाती थी, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन, किसी का नाक अच्छा नहीं है, कान अच्छा नहीं है, आँख अच्छा नहीं है, किसी में हार्ट में वॉल्व नहीं है, किसी में हार्ट बीटिंग अच्छी नहीं हो रही, बहुत सारी विकृति वाले संतान पैदा हो जाती थी। आजकल क्या है, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि चौथे पाँचवें महीने में गर्भवती माता को बुलाते हैं डॉक्टर और एनामली टेस्ट किया जाता है, विकृति टेस्ट किया जाता है, किसी भी प्रकार का इस प्रकार संतान में लाइक एबनॉर्मलिटीज होता है तो जीवन भर दुख पाने के बजाय उसे अबॉर्ट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में माता पिता को दिक्कत मत हो, बार बार हमेशा जीवन भर तकलीफ पाने के बजाय एक बार तकलीफ पाओ, ऐसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और मेडिकल साइंस में इसे सही भी माना जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसे नोड कहां है, इसी राइट आर्ट्रियम यानी कि दायां आलिंद से क्या है प्रारंभ होता है और इस प्रकार इसकी दीवार पर, थोड़ा समझें इस चीज को, इसकी दीवार तो मोटी है, दोनों में कोई क्या है लाइक कांटेक्ट नहीं है, दोनों में कोई सेपरेशन नहीं, पूरी तरह से सेपरेशन है, आपस में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं होता इधर वालों का इधर से या इधर वालों का इधर से। तो मामला यहां पर यह है कि जब यहां पर ऐसे नोड क्या होता है इस जगह पे स्टार्ट होता है तो इसमें पाए जाते हैं ये नोड, नोड से क्या निकलता है आवेग यानी इंपल्स, उसी को तो हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट जो होती है यहां से जैसे ही चालू होती है तो यहां से क्या है जैसे इंपल्स चालू होगा तो इस प्रकार क्या है कि ये पूरे आपके हार्ट की दीवार में नर्व यानी तंत्रिकाएं फैली होती हैं। तो जहां जहां पे नर्व फैला होगा, जैसे मैं हाथ को ऐसा मूवमेंट क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां पे नर्व यानी तंत्रिकाएं गई हुई हैं। आप लोगों को वो पता है कि झुनझुनी खाना बोलते हैं ना, बैठ गए होते हैं यहां एकदम लंबे समय बैठते हैं तो क्या होता है, झुंझुनाहट होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, झुंझुनी ही बोलते हैं ना, है ना। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उधर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाता, ठीक है, थोड़े समय में इसको फिर नॉर्मल करते हैं, 2-3 मिनट में फिर नॉर्मल लगने लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन उधर नहीं जाने पर झुंझुनी होता है। लेकिन सोचिए कि जिधर देखो उस तरफ झुंझुनी हो रहा था लेकिन नर्व जा रहा था, ब्लड नहीं जा पा रहा था कुछ समय के लिए, तो झुंझुनी हुआ आपको, लेकिन उधर क्या है नर्व ही ना जा पाए, नर्व इंपल्स ही ना जा पाए, तो उस केस में क्या कहेंगे, पैरालिसिस कहेंगे, लकवा मार जाना। या पैरालिसिस क्या होता है, ब्रेन से निकलने वाली जो चीजें हैं, जो नर्व्स वगैरह हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो क्या है रिलेटेड ऑर्गन तक नहीं जा पाता, तो वो क्या है काम नहीं करता, हाथ ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं कर सकते इसे। तो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी वगैरह करेंगे, डॉक्टर मेडिसिन देगा, मेडिकेशन नहीं होगा, सब चीजें कुछ महीनों बाद क्या है वो नॉर्मल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये लकवा ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है बेसिकली इस प्रकार इंपल्स जो है पूरे हार्ट में फैले होते हैं, पूरे तंत्रिकाएं फैली होती हैं। जब ये फैलेगा तो जैसे मैं हाथ को मूवमेंट कर पा रहा हूं तो ये भी क्या करेगा, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो लब डब ये वॉल्व के खुलना बंद होने से ही होता है और यही क्या है हार्ट बीटिंग है।
तो हार्ट बीटिंग स्टार्ट इसके कारण हो रही है, लेकिन आवाज वॉल्व के कारण है, ठीक है, आवाज उसी के कारण लब डब हो रहा है, लेकिन वो इंपल्स जो है यहां से चालू हो रहा है। इसको जो है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है पुर्किंजे फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्किंजे फाइबर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसको, ये सबको जो फैले हुए ना इसे, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे नोट कहां पर पाया जाता है? इसे ही क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है, शरीर का पेस मेकर या हृदय क्या कहना चाहिए, नियंत्रक कहा जाता है, गति नियंत्रक कहा जाता है, पेस मेकर, शरीर का पेस मेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोट को कहा जाता है, लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर ऐसे नोट को कहा जाता है। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोट, एस आई एन ओ ए यू आर ई सी यू एल ए आर, साइनो ऑरिकुलर नोट। ठीक है, अब देखो उसी आवेग को क्या है, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। वो सिस्टम ग्राम है लेकिन ग्राफ लेके निकलेगा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, कार्डियो मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड, ग्राफ मतलब आपका हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आप पता लगाते हैं। समझ में आया? शरीर में हृदय की गति का निर्धारण या हृदय की गति का मापन किससे किया जाता है? हार्ट फंक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से पता चलता है। वो मेथड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है, और जो निकलेगा वो ग्राफ कहलाएगा, कागज में निकलेगा, देखे हो गए, ठीक है। यही चीजें, ब्रेन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? ईईजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, EEG है वो, और ये वाला क्या है? ECG है, ECG हार्ट है, और EEG क्या है? ब्रेन है, ठीक है, समझ में आया? EEG ब्रेन है। एक बात और थोड़ा सा देखें, जब ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर, लिखा हुआ है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसे भी लिख लो, रक्त दाब का मापक, इलेक्ट्रो स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। उसमें क्या प्रयोग होता है? पारा मरकरी यूज होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। एक पॉइंट ये भी देखो, शरीर का ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। एटमॉस्फेरिक समझते हैं प्रेशर, हम यहां पर खड़े हैं, ऊपर वायु के द्वारा, एयर के द्वारा हम पर एक प्रेशर डाला जा रहा है, वो तो एयर है बोल के पता नहीं चल रहा है। तो ये है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल की गैसों, वायु के द्वारा हमारे बॉडी पर एक दाब या किसी भी वस्तु पर यहां पर नीचे दाब डाला जा रहा है, वो है क्या है? आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर। और आपके शरीर का क्या है? ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा होता है, तभी तो चोट लग जाती है, तो हमेशा ब्लड ज्यादा दाब से कम दाब की ओर जाएगा, हायर प्रेशर टू तो लोअर प्रेशर जाएगा, ये तो नेचुरल रूल है। ज्यादा दाब से अधिक दाब की ओर हमेशा फ्लूड बहेगा कि नहीं? यस सर नो, ठीक है। तो शरीर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए ब्लड चोट लगने पर फ्लो होती, बहती है। अगर नहीं होता, कम होता, तो ब्लड कभी बाहर निकलता ही नहीं, वो उसके अंदर ही दबा रहता, चोट लगे चाहे कुछ भी होता। लेकिन इस लॉजिक से याद रखना, ब्लड बाहर निकलता है, मतलब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। बुजुर्ग होने पर बीपी बढ़ जाता है, रीजन समझ में आ रहा होगा क्यों हो जाता है, क्योंकि अब ब्लड वेसल जो होती है सिकुड़ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो जाता है समय के साथ साथ, है ना, और इसलिए क्या है, उनका आयतन यानी उनका अंदर का जो वॉल्यूम है, ब्लड जो फ्लो होता है, यानी वो पाइप का जो उनके अंदर की पेरिफेरी परिधि है वो कम हो जाती है, इसलिए बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी कभी बढ़ने मत देना बॉडी का, अगर बीपी बढ़ गया मतलब ना बहुत सारे बीमारियों को आप इन्विटेशन दे रहे हो, आओ और मुझे ज्वाइन करो। लो होता है, देखो
ब्लड प्रेशर जो है ना, ब्लड जितना फ्लो होना चाहिए, देखो दो प्रकार की चीजें हैं। मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 टाइम्स, 72 बार धड़कना चाहिए। जब हम सामने कुछ आ गया, सांप आ गया, कुछ आ गया, डर के मारे भाग जाते हैं। गर्ल्स तो काकरोच आ गया, कुछ भी आ गया, डर के मारे एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, वाइवा देने जाते हैं, अचानक से ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हार्ट बीट बढ़ना एक चीज है और घटना एक चीज है। तो जब हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा सा घटा चलता है, वो मैनेजेबल है। जैसे बीपी भी थोड़ा बढ़ा थोड़ा घटा चलता है, 120 का 125 हो गया है ना, 80 का जो है मान लो 85 हो गया तो चलता है। लेकिन वो बहुत कम हो गया या बहुत ज्यादा हो गया, दोनों ही केस में प्रॉब्लमेटिक है। तो लो ब्लड प्रेशर भी बहुत डेंजरस है, हाई ब्लड प्रेशर भी डेंजरस है। मामला यहां पर है कैसे इसे मेंटेन करें। तो सबसे आसान तरीका वही है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलरली योगा करें, रेगुलरली अच्छे चीज खाएं, फूड खाएं, आपका बॉडी का हर सिस्टम को अच्छे से नॉर्मली चलने दें, तो इससे आपका हर चीज मेंटेन रहता है। तो क्वेश्चन उठता है, यदि हार्ट बीट कम हो जाए तो क्या होता है? ब्रेडीकार्डिया नाम का डिसीज हो जाता है। ब्रेडीकार्डिया, जिनका हार्ट 72 बार नहीं धड़कता, वो 60 55 50 बार धड़केगा, तो हार्ट बीटिंग होगा तो पंपिंग भी कम होगा, उसी से ही तो रिलेटेड है ये। उसी प्रकार बीपी कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना, मतलब ब्लड में जिस प्रेशर, ब्लड वेसल्स में जिस प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो होके जाना चाहिए सभी ऑर्गन सभी कोशिकाओं तक, वो नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि हार्ट जो है पंपिंग करता है, तो उस प्रेशर के साथ पंप नहीं कर पाता जिस प्रेशर के साथ उसमें फ्लो होना चाहिए। तो इसीलिए बीपी का कम होना भी थोड़ा डेंजरस होता है। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि वहां पर उसे मेंटेन करके रखिए, ये आपके हाथ में है कि सब चीज़ों को रेगुलर हेल्दी लाइफ जीजिए, जिए टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन रखिए। ठीक है, और इसमें बहुत सारे और भी एक्सरसाइज सब चीज़ का तोड़ है। नॉर्मल एक्सरसाइज या योगा बहुत सारी चीज़ों का तोड़ है। जैसे हम लंग्स की एक्सरसाइज कर रहे थे ना, तो बस योगा कर लो, उसमें आपका वेस्ट वाला चीज़ अशुद्ध चीज़ें निकल गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गया तो सेल तक ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पहुँचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, और उससे आपका बहुत सारा चीज़ कंट्रोल हो जाता है, इवन बीपी भी कंट्रोल हो जाता है। योगा करोगे तो क्या होगा, बहुत सारा बीपी, हाई बीपी, लो बीपी सब कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो डिसीज है, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, जिसको बात कर रहा था, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, अच्छा मैं आप लोगों को हार्ट अटैक बताने वाला था ना। हार्ट अटैक, देखो हार्ट अटैक क्या है, इसमें इसके अंदर एक आर्टरी पाई जाती है, धमनी पाई जाती है, जिसमें कि प्योर ब्लड बहेगी। ठीक है, और वही धमनी क्या है, ब्लॉक हो जाए यहां पर, वो धमनी जो हार्ट के अंदर, वो आर्टरी जो हार्ट के दीवार पर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है, उसी में ही ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। अब यहां पर डिफरेंट टाइप के जो डिसीज हैं, जिसमें कि कोरोनरी धमनी में थक्का जमने के कारण हार्ट पर्याप्त रुधिर प्राप्त नहीं कर पाता, ये वही है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और हार्ट, हृदय रोग अलग अलग चीजें हैं। देखो कोरोनरी धमनी में क्या है, एक प्रकार का धमनी है, एक प्रकार का आर्टरी है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग होने पर ब्लड जो है हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, उसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ना, इसमें याद रखना कि ये वही चीज है जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक मैंने क्या कहा, कोरोनरी आर्टरी में जब क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो हार्ट की दीवार पर क्या है, पर्याप्त रुधिर प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं और हार्ट पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता, इसे ही क्या कहा जाता है, हार्ट अटैक कहलाता है। गर्ल्स में हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं, बॉयज में ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना क्यों। अच्छा, उसका रीजन एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली बोलूं तो, लेकिन ये है कि हो सकता है कि लाइक उनकी लाइफस्टाइल या ओवरऑल उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं,
उसमें ज्यादा प्रेशर हो सकता है नहीं आता हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में देखा जाए मेल और फीमेल के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उनमें एक में ज्यादा एक में कम काम करने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है, तो हो सकता है प्रेशर कम उसमें आता हो, इस कारण लाइक हार्ट अटैक उसमें क्षमता मतलब आने के जो है कैपेसिटी या आने के जो है आशंका कहना चाहिए, क्षमता नहीं आशंका कम होती है। एग्जैक्ट रीजन देख लेंगे क्या है, बट इन जनरली हार्ट अटैक गर्ल्स में कम होता है। रियोमेटिक हार्ट डिसीज जिसमें कि वॉल्व ठीक से काम नहीं कर पाता, कई बार क्या होता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, चाहे से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्व भी क्या है कई बार काम नहीं करेगा तो भी क्या हार्ट का वॉल्व चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है याद रखना। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा है ना, कपाटीरो वेल्वुलर डिसीज, तो वाल्व जो है ठीक से काम नहीं करता। इधर देखो आर्टरी, हमने कहा था आलिम से ही नीलय क्या है ब्लड जाएगा, ऑलवेज आर्टरी से क्या है आर्ट्रियम से क्या है वेंट्रिकल यानी कि नीलय में ब्लड जाएगा। क्या होता है वाल्व खराब होने पर ये क्या है ये इधर से इधर भी आ जाता है, लाइक नीलय से आलिन भी आ जाएगा, आर्ट्रिकल से आर्ट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रियम से आर्ट्रिकल भी आ जाएगा, तो इसे कहा जाता है वेल्वुलर डिसीज, विपरीत दिशा में आने लगता है ये लिखा हुआ है, तो इसे कहा जाता है वेल्वुलर डिसीज कपाटी रोग। एंजाइना, हृदय की भित्ति को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है ना, इसके कारण क्या होता है एंजाइना होता है, सीने में दर्द होता है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंच पाया, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया सीधा सा, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट कम हो जाता है, जिसको मैंने बताया था हार्ट बीट कम हो जाना, ठीक। ये अलग अलग जो है डिसीज है, हो सकता है आपको इतना सारा डिसीज ना पूछा जाए लेकिन एंजाइना किससे रिलेटेड है हार्ट से रिलेटेड है याद रखना, जिसमें कि हम मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, ठीक। हार्ट अटैक में क्या कौन सा धमनी काम आया था, कौन सा धमनी अफेक्ट होता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी हार्ट अटैक में ब्लॉक होता है याद रखना, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अच्छा ये बात देखो, ये पेसमेकर का यहाँ पे प्रत्यारोपण कर रहे हैं है ना, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है हार्ट बीट कम हो जाता है, तो ऐसे नोट जिसको मैंने क्या कहा था पेसमेकर कहा था उसे बदल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाला लगाने के बाद वो व्यक्ति भी जीवित रह सकता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है करके देखें, ठीक है। हार्मोन भी थोड़ा सा प्लांट हार्मोन में करवा दूंगा सोच रहा था, उसको करेंगे भी, ठीक है। तो देखो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, लैंडस्टीनर ने किया, यस नो रक्त परिसंचरण, हाँ विलियम हार्वे, तो लैंडस्टीनर नहीं है ये, क्या है आपका ब्लड ग्रुप है ना, और याद रखना पेसमेकर किससे संबंधित है हार्ट से रिलेटेड है। आए हुए प्रश्न है इजी इजी वाला व्यापम लेवल का, पेसमेकर का काम क्या है हार्ट बीट स्टार्ट करना, स्टार्ट द हार्ट बीट है ना, इंपल्स वहां से चालू होता है, ठीक है, जो कहां पे पाया जाता है दायां आलिंद में राइट ऑट्रियम में पाया जाता है उसकी दीवार में है ना। ये देखो है ना गति प्रेरक किसे कहा जाता है साइनो ऑरिकुलर नोट है ना, किससे रिलेटेड है ऐसे नोट आपके क्या है आपका हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं बताओ, ठीक है आर्टरी और वेन में एक एक चीज छूट गया लिख लो, चलो आर्टरी और वेन में अंतर थोड़ा सा लिख लो, दो पॉइंट लिख लो फिर ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। वेन 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 ठीक है, चलो लिखो यहां पर धमनी और शिरा में अंतर, पहला पॉइंट लिखेंगे आर्टरी में लिखेंगे धमनी की दीवार मोटी होती है और शिरा की पतली होती है, दूसरा लिखना धमनी रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, ठीक है आर्टरी फ्लोस आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है। दूसरा सिरा में लिखेंगे
रुधिर हृदय, रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। शिरा में लिखना नहीं समझे, धमनी में क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट से दूर जाती है, और शिरा में क्या है, ब्लड सीधा क्या करती है, टू दी ज्वाइन करती है हार्ट को। अरे याद आया कि नहीं, इसमें सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है, मतलब वेन जो है, आर्टरी जो है अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन जो है आपका, हाँ, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट और वेन जो है टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, याद रखना। किसकी दीवार मोटी है? आर्टरी की दीवार मोटी है, वेन की दीवार पतली होती है। ठीक है, चलो। आर्टरी में सेमिलुनर वॉल पाए जाते हैं, सेमिलुनर वॉल नहीं पाए जाते। आर्टरी में अर्धचंद्राकार कपाट नहीं पाए जाते, धमनी में अर्धचंद्राकार कपाट नहीं पाए जाते, सेमिलुनर वॉल वॉल नॉट फाउंड इन आर्टरी। जबकि नीले में, सॉरी वेन में लिखेंगे, शिरा में लिखेंगे सेमिनुलर वॉल फाउंड, अर्धचंद्राकार वॉल पाए जाते हैं। जिसकी दीवार मोटी उसमें ही क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। तो लिखो, धमनी पर दबाव अधिक होता है, धमनी का बीपी अधिक होगा, धमनी का ब्लड प्रेशर अधिक होगा, वेन का ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, उसके बाद लिखना, धमनी यानी आर्टरी में ब्लड फ्लोस इन, ब्लड फ्लोस वेरी फास्ट, धमनी में रक्त तेज गति से बहती है। और वेन यानी शिरा में कम गति से बहती है, उसका रीजन भी जान रहे हैं, हार्ट से अभी अभी तो निकला है, पंपिंग हो गई इसलिए ज्यादा प्रेशर से बहेगा, जबकि शिरा तो टू ज्वाइन करता है हार्ट को इसलिए कम गति से बहेगा। तो इधर इस प्रश्न में आंसर छुपा है, बताओ, इसी पॉइंट से रिलेटेड है ये। किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। ठीक है, ताकि क्योंकि वो मोटी बहती है, ठीक है, मोटा है तो उसमें, तो इस प्रकार लिखना। एक पॉइंट और लिखो, किसमें ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, रुधिर का आयतन किसमें कम होगा? धमनी में। धमनी में रुधिर का आयतन कम होगा, यानी कि आर्टरी में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, शिरा में ज्यादा होगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला आता है, सोते समय बीपी में क्या परिवर्तन होता है, बताओ। जब बॉडी रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, घटता है। ठीक है, बढ़ता थोड़े है, नहीं घटेगा, ठीक है ना। रुधिर ब्लड प्रेशर का मापक है स्फिग्मोमैनोमीटर, जार्विक 7, ये आया हुआ प्रश्न है, आपसे नहीं बनेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पेसमेकर है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेसमेकर का नाम था जार्विक 7, आया हुआ प्रश्न है। लब डब का आवाज किस अंग से रिलेटेड है, आपका हार्ट से रिलेटेड है। एक बार हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है ना, कितना कितना एक बार में, एक कितने, एक मिनट में कितने बार धड़कता है, 70 times, 2 times, तो 60 सेकंड में 72 बार, तो एक सेकंड में एक बार होता तो 60 सेकंड में 60 बार होता। ठीक है, तो आप थोड़ा चेक करके बताओ, 0.8 नहीं होगा, तब तो होगा, तब तो एक 60 बार में 60 सेकंड में 60 बार, तो इससे कम होगा तब तो होगा ना 72 times, तो याद रखना 0.8 सेकेंड, ये लॉजिकली भी बना सकते थे। ठीक है, जैसे 1.5 सेकेंड में होता तो 60 से और कम हो जाता। ठीक है, 0.8 सेकेंड है तो 2 सेकेंड की
हर में प्राप्ति हो रही है, तो 60 टाइम्स मतलब 60 बार 2.2 की बचत करोगे तो कितना होगा, 6 × 2 = 12, तो 60 + 12 मतलब 72 नहीं हो गया, नहीं समझे है ना। हम कह रहे हैं कि हर बार में 0.2 की बचत हो रही है, कितने बार, 60 बार, तो 6 × 12 नहीं हो गया, और 60 + 12 बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? ठीक, चलो। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है 72 बार, कितने कोष्ठ होते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 4, किसमें ट्री चेंबर हार्ट पाया जाता है, बताओ, हमारे में 4 चेंबर हार्ट है, तो 3 चेंबर वाला हार्ट किसमें पाया जाता है, एलिगेटर, एलिगेटर या है ना, क्रोकोडाइल और एलिगेटर दो चीज होता है ना, है ना, एलिगेटर एक होता है मगरमच्छ जैसा ही होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, नाड़ी दर कहां से प्राप्त किया जाता है बताओ, अरे क्या है, पल्स रेट, पल्स रेट किससे प्राप्त किया जाता है, सिरा से होगा कि आर्टरी से होगा, किसमें ज्यादा प्रेशर बहता है, धमनी, हाँ। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक एस अपॉन डी 120/D, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिकली टॉपिक। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा, पढ़ना चाहोगे? ठीक है कि ब्रेक, ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देखना है कि हमारा जो है, अब दो प्रकार का हार्मोन आएगा, प्लांट हार्मोन जो 5 प्रकार के होते हैं, और एक होता है आपका एनिमल हार्मोन जो बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम उसको कल ही की क्लास में करेंगे, और आप लोगों को आज जो एक्स्ट्रा क्लास बैठनी थी वो कल एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों को बैठना है। ठीक है, इस समय एक ब्रेक और दूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को मेंटली मैं पहले से बता दे रहा हूँ, एक ब्रेक और दूंगा इसी समय, और एक क्लास और करेंगे इसके बाद, ज़्यादा समय नहीं, हम करीब करीब पास तक, ताकि आपका बहुत सारा जनरल साइंस का कंटेंट कवर हो सके कल कल कल। ठीक है, तो आप लोग अपना टिफिन विफिन कैरी कर लेना भाई, अकॉर्डिंगली हेल्दी कुछ चीज। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।
ठीक है, आप लोग भी देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन का यहाँ पे डाउट है, मैं बता देता हूँ, आप लोग भी सुन लेना। हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी होती है 5000 से 6000 ml, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। एक बार में हम कितना सांस छोड़ सकते हैं और कितना सांस अंदर ले सकते हैं, पावरफुली तेजी से सांस अंदर लीजिए तो कितना ऑक्सीजन अंदर गया, कितना सांस तेजी से छोड़े, तो एक होगा आईआरवी, मतलब इंस्पिरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम अंदर लेना, और एक होता है एक्सपिरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम, कितना तेजी से हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ईआरवी और आईआरवी समझ में आया? आईआरवी मतलब आया, मैंने कहा आईआरवी इंस्पिरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, इंस्पिरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम हिंदी को कहूंगा तो कहेंगे कि निश्वसन प्रवाही आयतन, प्रवाही आयतन एक होता है, मतलब फोर्सफुली कितना हम अंदर ले सकते हैं वायु को, और एक्सपिरेशन ईआरवी क्या है कहलाता है, ईआरवी कहलाता है कि निःश्वसन प्रवाही आयतन, प्रवाही आयतन कहलाता है, कितना हम तेजी से वॉल्यूम को छोड़ सकते, कितना हम अंदर की चीजों के एयर को बाहर निकाल सकते। एक बात याद रखना, हम कितना भी ताकत लगाएं अंदर में थोड़ी सी मात्रा एयर की बची जाती है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, पूरा जीरो नहीं कर सकते, अंदर के पूरे एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, जो चीज बच जाता है उसे भी एक नाम से कहा जाता है। लेकिन पहले प्रश्न को डिकोड कर लेते हैं, यहां पर आया है ई आर वी और आर वी, ERV प्लस RV बराबर क्या है, तो यहां पर IRV के वैल्यू आती है, मेल और फीमेल में थोड़ा अलग अलग होता है, मैं एक नॉर्मल केस में कह रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये प्रवाही नहीं है, आरक्षित है, प्लीज करेक्ट कर लेना, हम कंसेप्ट सही लिखे हैं लेकिन ये वर्ड में ही थोड़ा सा अंतर है, प्रवाही नहीं, निःश्वसन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन। तो ये दोनों की वैल्यू देखेंगे तो उसको जोड़ देना चुपचाप, जैसे आईआरवी है इसका जो है 2000 से ये क्या है 3500 ml तक, ये हम क्या है एक बार में अंदर ले सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 1000 ml, ठीक है 1000 ml। अब कितना चीज जो बच जाता है ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम इसे कहा जाता है, हमारे पास है अवशेषी आयतन, अवशेष के रूप में जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है वो ये है, इसका वैल्यू होता है 1500 ml, यानी कि हम जीरो नहीं कर सकते हमारे लंग्स के एयर को। ठीक है, अब इसमें एक बात समझनी है, इसमें एक बात समझनी है, वो है वाइटल कैपेसिटी, एक होता है वाइटल कैपेसिटी यानी प्रवाही आयतन, फिर उस सब का जोड़ घटाना ही करेंगे, कुछ नहीं है, वाइटल कैपेसिटी यानी कि प्रवाही आयतन, ये सब हार्ट से रिलेटेड सॉरी लंग से रिलेटेड चीजें हैं, प्रवाही आयतन। और प्रवाही आयतन के सामने एक वर्ड लिखना, प्रवाही नहीं, जैव, वाइटल है ना, जैव आयतन हो जाएगा, जैव आयतन हो जाएगा, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी या फिर कहा जाए जैव आयतन, टाइडल वॉल्यूम को कहा जाता है प्रवाही आयतन। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं, अगर मैं कहूं हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी, ध्यान से सुनना, सभी चीजें यहां पे स्पष्ट हो जाएगी, अगर मैं कहूं हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी 5000 से कितनी होती है 6000 ml होती है, एक बार में हम कितना एयर छोड़ सकते हैं फोर्सफुली ताकत लगा के, तो वो क्या है 2000 से 3500 अंदर ले सकते हैं, सॉरी अंदर ले सकते हैं 2000 से 3500 ml। तो यहां पर आ गया क्या है, अभी हमारे पास आया, उसके बाद देखते क्या है कि कितना हम फोर्सफुली बाहर छोड़ सकते हैं, तो
1000 ml तक हम बाहर छोड़ सकते हैं, फिर भी कितना बच जाता है हमारे अंदर, वो क्या है 1500 ml, ठीक है 1500 बच जाता है। अब थोड़ा यहां पर देखें वाइटल कैपेसिटी या जैव आयतन क्या है, तो एक वर्ड लिखेंगे, जैव आयतन के सामने लिखेंगे वायु का वह आयतन जो क्या है गहरी से गहरी सांस लेने के बाद अधिक से अधिक सांस छोड़े जाने से शामिल है, जाने है ना, अधिक से अधिक सांस छोड़े जाने में शामिल है। थोड़ा समझें इसका मतलब क्या है। यहां पर मैंने कहा कि तेजी से हमने सांस लिया और तेजी से चीजें छोड़ दिया। हम यहां पर कह रहे हैं कि IERV एक आया है और एक क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1500 हो गई, ERV की वैल्यू कितनी हो गई 1000 हो गया। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। 2500 किसी की वैल्यू दिख रही है, किसी के आसपास क्या दिख रहा है, IERV एक दिख रहा है, लेकिन अभी आंसर चेक करते हैं, रुको अभी हमारे पास यहां का इसका आंसर निकलेगा। देखो वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है, ERV मतलब ये वाला प्लस IERV प्लस TV। ये TV आपको नहीं बताया हूं क्या है, देखो TV क्या है, टाइडल वॉल्यूम को कहा जाता है प्रवाही आयतन। एक ऐसा प्रश्न पूछे हो कि बहुत सारी चीजें निकल के आ गई, देखो है ना, टाइडल वॉल्यूम क्या है, बिना कोई अतिरिक्त प्रयास के कितना अंदर ले रहे हैं कितना छोड़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम सांस लेने में फोकस किए हैं क्या नहीं किए हैं, बिना कोई अतिरिक्त प्रयास के जितना एयर बाहर निकल रहा है जितना अंदर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होता है लिखिए, बिना किसी स्पष्ट प्रयास के अंदर एवं बाहर निकाली जाने वाली वायु का आयतन होता है 500 ml होता है। तो अब जोड़िए सबको, अब जोड़िए ERV प्लस IERV प्लस TV को जोड़िए, ERV कितना हो गया 1000, IERV कितना हो गया 2000 से 3000, कोई भी एक जोड़ दो, चलो 3500 को जोड़ दो तो 1000 प्लस 3500 4500 हो गया, और TV क्या हो गया 500 हो गया, आंसर निकल गया कि नहीं, देखो 5000। नहीं समझे, मैंने कहा वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या पढ़े आप लोग, क्या लिखे हो कि वायु का वह आयतन जो गहरी से गहरी सांस लेने के बाद क्या है अधिक से अधिक सांस छोड़े जाने से में शामिल है, मतलब तेजी से अंदर ले रहे हैं तेजी से बाहर ले रहे हैं, ओवरऑल कितना है, तो हम कह रहे हैं तेजी से अंदर लिए तो इंस्पिरेशन, तेजी से बाहर निकाले तो एक्सपिरेशन। फिर भी देखते हैं यहां पर टीवी नॉर्मल जो वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 के आसपास रहता ही है, ठीक है, तो सबको मिलाएंगे तो 5000 आ रहा है। अब प्रश्न पर आइए, अब आपका देखिए क्वेश्चन आया है ERV प्लस RV बराबर क्या होता है, कि हम तेजी से सांस को बाहर निकाल रहे हैं और रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब यहां पर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5000 आई थी, पक्का आ गया। ERV कितना है 3500, ये क्या है 1000, और TV कितना आ गया 500, तो कितना हो गया ये 5000 आ गया, और 5000 है ना, तो यहां पर कहेंगे कि 5000 ये आ गया, तो रेसिडुअल वॉल्यूम ये आपका क्या है, आपका 5000 आ गया, और इधर कह रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम कहां पे आए, रेसिडुअल वॉल्यूम ये, तो 1500 ये 1500 ये कर दिए, ERV ये कर दिए, तो एक बार में हमने कितना चीज बाहर निकाला है ना, कितना चीज बाहर निकाला, तो 1000 हमने बाहर निकाला, और कितना रेसिडुअल वॉल्यूम है, कितना अवशेष के रूप में बच गया, तो दोनों क्या कहलाएगा, गिवन ऑप्शन
ऑप्शन बताइए क्या क्या था इसमें, बताइए इसमें। जो ऑप्शन था उसी में ही हमको यहाँ पे निकालना है, सभी टाइप की चीजें निकल गई इसमें। इसमें दिया हुआ है FRC जो गलत है। वाइटल कैपेसिटी कितना है, देखो वाइटल कैपेसिटी कितना है इसका, नहीं लिखें क्या, लिख लो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है वो 4500, 3000 से लेकर 4500, ये क्या होता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। कितना निकल रहा है 2500 इधर आंसर निकल रहा है ना। उसके बाद देखो टाइडल वॉल्यूम कितना निकला है, टीवी 500। तो देखो आपके पास ऑप्शन दिया है, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके, मैं अलग इंक पे लिख देता हूं। पहला लिया हुआ है FRC जो गलत है, दूसरा लिया है वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी कितना है हमारे पास 4500, 3000 से 4500 है। उसके बाद देखते हैं IRV की वैल्यू कितनी है, देखो 2000 से 2500 है, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है 2000 से 3500। ये मेल और फीमेल के लिए इसलिए रेंज लिखा है, मेल में 2000, फीमेल में 2000, मेल में 3500। उसके बाद लिखा हुआ चौथा है टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम तो 500 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, टाइडल वॉल्यूम भी गलत है, और ये तो इससे एक्सीड हो जा रहा है, तो ये भी गलत है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, IRV हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप में भेज देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग उसको डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में देख लेना, ठीक है। मछली किस माध्यम से सांस लेती है, गिल्स। ठीक है, ये रख लो।